दृष्टि आज देवाणी में वचन अथव जो वन के सामू पान के सियाणों जाना तो समझे तो वो मृतक के बराबर है वन के न जाना है जी कुछ जानू आया एक यो व्यवहार है। अच्छा बो ठाकुर प्यारो मद्रास वो परलोक पधारो है जिन वाकुकार हो परमात्मा के मन में निवास हुए दरबार संभाल जूनू असो प्रेमी हो विनोद जो पिता जामनगर में परलोक पधारो है ये विनोद भी सेवादारी है जामनगर में रहा है उन्हें पिता श्री कर परलोक पधारो ठाकुरदास जो देहांत थो अमरधाम पहुत अमर लोक मद्रास में रहंदड़ मछो जिनो वाकुकार हो परमात्मा जी दर प्रार्थना चव सतनाम ओम 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 शांति शांति शांति। बंधन मोक्षं च यावेति बुद्धि पार्थ सात्विकी चालीहो नंबर टीहो श्लोक नंबर टीह अरिड़हें अध्याय जो हली रही है व्याख्या साधु संजीव नंदन स्वामी राम सुखदास महाराज वर्णन कर रहा हूँ इन में प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकारी जैसे बुझंदे अज चार ॾींहं त घटि मटि थिया हूंदा ॿावीह में ॿुधोसीं छह ॾींहं थी विया अॼु ॿावीह टेवीह चोवीह पंजवीह छवीह अॼु सतावीह पंज ॾींहं लॻातार महापुरुष ॾींहुं हिकु श्लोक खे खयो आहे जो असां तव्हां अधु श्लोक पहुता आहियूं अञा अधु रहियल आहे बंधन मोक्षन च हाणे इन खे खणंदा अञा भया भया थोरो रहियल आहे भया भय जो कुझु हिसो थी वियो अञा कुझु हिसो रहियल आहे भय और अभय जे बारे में महापुरुष खोल कनि था भय और अभय के कारण को देखना चाहिए जिस कर्म से अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का अनिष्ट होने की संभावना है वह कर्म भय अर्थात भयदायक है और जिस कर्म से अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का हित होने की संभावना है वह कर्म अभय अर्थात सबको अभय करने वाला है माने अभय करने वाला है। हाँ अजिता अभय गुण थींदो आहे उहो न पर अभय करण वारो ईअं पाप करींदो त पाप जो पाप ई व्यर्थ थींदो आहे ऐं पाप बि थींदो आहे गुण बि थींदो आहे गुणी बि थींदो आहे गुणी चओ हा हलो मनुष्य जब करने लाइक़ हाणे ॿियो जुमिलो थो खणे पियो मनुष्य अॼु खां वठी नओं था पढ़ा हिकु अलोको उचार कयो अथई ख़ाली उचार करिणो आहे करिणो धरणो कुझु कोन्हे को ख़ाली ॿुधणो आहे ॿिन्ही करण सां ॿियो करिणो धरणो कुझु कोन्हे को मथां सम्झो वरी करिणो आहे चिंतन करिणो आहे भला जवाबु ॾियणो आहे कुझु न ख़ाली कथा जीअं सतनाम जी ॿुधबी आहे। हा मनुष्य जब करने लायक कार्य से चित होकर
कर्ण कर्ण लाइ कार्य खां जॾहिं चुत थींदो आहे किरी पवंदो आहे चुत माने किरी पवण छा चयो पंहिंजी स्थितीअ खां हा अचुत इन करे भॻवान जो नालो हूंदो आहे माना किरंदो न आहे किरंदो माने नाश न थींदो आहे किरण माने बदिलबो न आहे मतिलबु कहिड़ी अर्थ थींदा आहिनि हा हा मनुष्य जब करने लायक कार्य से चित्त होकर अकार्य में प्रवृत्त होता है तब उसके मन में अपनी मान बढ़ाई की हानि और निंदा अपमान होने की बढ़ाई में कैड़ी रहेंदी खबर दो डह के जो टुबको डिबो है वह घोड़े वाली डह जो है हाँ वो बढ़ाई हो जे या पढ़ाई उनके पढ़ाई करे पढ़ंदा तो चिट्ठी तो समझ में बढ़ाई हो जे ये बढ़ाई बस बढ़ाई हाँ तब उसके मन में मान बढ़ाई वढ़ाई जैसे चाहिए सिंधी में हाँ तब उसके मन में अपनी मान बढ़ाई की हानि और निंदा अपमान होने की आशंका से भय पैदा होता है भगारी पंहिंजो मान वधाईअ जो हानि थींदी ऐं गॾु निंदा अपमान बि थींदो इन करे भय पैदा थींदो परंतु मन जे अंदरि हा परंतु जो अपनी मर्यादा से कभी विचलित नहीं होता पर पंहिंजी मर्यादा खां विचलित नथो थिए पियो अपने मन में मन से किसी का बि अनिष्ट नहीं चाहता मन सां कंहिंजो अनिष्ट नथो चाहे पियो और केवल परमात्मा में ही लगा रहता है परमात्मा लगो पे उसके मन में सदा अभय बना रहता है उन्हें मन में सदा ही अभय बने रहता यह अभय ही मनुष्य को सर्वथा अभय पद अर्थात परमात्मा को प्राप्त करा देता है यह अभय ही मनुष्य के सर्वथा अभय पद प्राप्त करा चंगा अभय पद परमात्मा जो अभय पद अभयम ददामि अभयम सर्वभूते भी ददामि एतद् वृत्तम ईंदो आहे न जी न न जेको मां श्लोक चयमि हा सक्री देव परपनाय जी सक्री देव परपनाय तवा हा इहो ई न अभयं ददामि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति यातते अभयं सर्वभूते वियो सर्वभूतनि खां हुनखे मां अभय बणाए छॾंदो आहियां अभय मां निर्भय सर्वभूत प्रणनि खां हुनखे अभय करे छॾंदो आहियां भई तद व्रतम इहा मुंहिंजी प्रतिज्ञा आहे व्रत आहे माने अभय जो परमात्मा आहे उन सां मिलाए छॾंदो आहियां उते ई अर्थ कबो आहे मां निर्भय थी वेंदो उहो पद कहिड़ो आहे परमात्मा निर्भय आहे अभय आहे उते कोई पहुचंदो न आहे कहिड़े बि नाले सां हुनखे चओ अॻे न ईंदो मूंखे अभय जी माना छा खां अभय खां कहिड़ो भव आहे संसार ई भव आहे न ॿियो छा फंसो भरम इहो बि भव ई आहे कंहिंखां डिॼणु इहो बि भव ई लोप थी वेंदो न रहंदो आहे मन शरणागति जंहिंखे आहे अॻे बि अभयम सत्संधीअ में जंहिंखे भरोसो भॻवान जो आहे हिकु पक्ष बि आहे वरी ॿियो उनखे भव वधीक बि थींदो आहे उहो भव पाप मथां थी पए मूंखां ॿिए कहिड़ो भव न थींदो आहे अवगुण न अची वञे मुंहिंजो मुंहिंजे द्वारा कंहिंजो अपमान न थिए
भव वधीक बि थींदो आहे घटि बि थी वेंदो आहे। मन संसारी भव खां बची वेंदो, बाक़ी हो भव त रहंदुसि कृपा मतां। ॿई ॻाल्हियूं आहिनि। हा परंतु जो अपनी मर्यादा से कभी विचलित नहीं होता, अपने मन से किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहता और केवल परमात्मा में ही लगा रहता है। परमात्मा में जो लगो पवंदो, परमात्मा में शरणागत हूंदो, उते शरणागत अर्थ कयो अथई। जंहिंखे भॻवान जो भरोसो आहे, आश्रय आहे, टीका में पढ़ंदव त उहो निर्भय थींदो आहे। अभयम सत्व संधीअ में सोरहीं अध्याय जे शुरूआति में पहिरियों ईंदो आहे अभयम सत्व संधि ज्ञान योग व्यवस्थित ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। त अभय में ॾिसंदी हूंदो शायदि आहे कुझु बसि एतिरो ई भई कंहिं टीका में पढ़ियो हूंदो। हा हलो इहो थी वियो, हाणे खणंदो वंदम मोक्षं च यावे थी। वंदे मोक्ष खे जेकी ॼाणे थी पई ॿुधी टियों पाद जो खणंदो, ॿ पाद पूरा कई सॼी हलाई ॿिनि पादनि खे। हाणे बंदि मोक्ष जेका ॼाणंदड़ ॿुधी आहे उनजो नालो सात्विकी ॿुधी आहे। हा बाक़ी इन में अञा ॿ पेज त पका आहिनि। हे बि लॻभॻि ॿ थी विया पेज। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर धाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक मंगल आदि विचार रही सुना रूप परिजन को जस पाव से परिजन मंगल रूप संत विघ्न निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास देव आज्ञा दई भक्तन को दस पार भगवान के शरण को नानक पार सियावर राम चरण की जय रामेवर कृष्ण लाल की जय उमापति महामेय की जय। सब संतन की जय हरि चरण। हाणे विठलनाथ भॻवान जो बोल। विठलनाथ भॻवान प्रियता अथव, ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे। भगत माल जे अंदरि संत महात्मा चवंदा आहिनि जंहिंजी भॻवान में प्रीति खपे उहो भगत माल ज़रूरु पढ़े, ईअं वर्णन ईंदो आहे। जंहिंजी जेसि अंदरि निष्ठा आहे सुठी आहे, भगत माल तव्हांजे प्यार करके चालू कई वई। जेतिरो ॿियो खंडु पूरो थी चुको हो, छा चालू कयूं आहे कोई ख़बर न हुई, पर भक्तनि जे प्रेम जे भाव करे कीअं निकिरी आई। वरी हिकु भई लाइब्रेरी मां बि कढीसीं, वरी ऑडर बि आयो आहे भई असां लाइ घुराए ॾियो। मुंहिंजो घणा ॾींहं पढ़ंदव त जेतिरा ॾींहं उहो त हाल फिलहाल शादी कबियार बि घणनि ॾींहंनि लाइ मां पुछंदो, घणनि ॾींहंनि लाइ कंदव? चई तोखे उहा लॻी आहे हाली त जेतिरो आहे। हा जेतिरो ॾींहं बरसातियूं नंदियूं न ईअं वहंदियूं आहिनि भरपूर अथरी, ऐं बरसाति बंदि थींदा आहिनि हिकु पाणी टेपो बि न हूंदो आहे। हिकु कंहिं कंहिं बरसाति बि नदियूं थींदियूं आहिनि, ईअं प्रेम बि कंहिंजे अंदरि उमड़ंदो आहे। हाली ॾिसी करके घणा माण्हू अचनि था, बसि मां बि वञा, मां बि टपा ॾेई वञा, पोइ ॿ टे ॾींहं ईंदी थधो थी वेंदुसि। हा हलो सुठो मतिलबु चवंदो भई
कायम रहे तो वधीक सुठो आहे तात्पर्य हिमत न हारणी आहे जेतिरा ॾींहं न बहिजे सुठो ई आहे पछाड़ी में रहिजी अचे त वधीक सुठो आहे हा हलो नेह लॻाना सहज है घड़ी पलक का काम और नेह निभाना कठिन है सारी उमिरि का काम सॼी उमिरि हिते निभाइणो आहे महिमा उन जी आहे जी जैसी लव पहले लगी चओ जैसी लव पहले लगी तैसी निभाए तोर कह कबीर ता दास पे वारों संत वारों करोड़ कुछ अड़ो कराए कोई हथ अच गोले लहजो उन मथा करोड़े में कुर्बान कर अखर अड़ो अखर आए हाँ हाँ वो ढी दुखी गाल नेह लंबाना कठिन है सारी उम्र का काम नेह लगाना अच्छा तो निभाए तोड़ अयो न हाँ जो लव पहले जैसी लव पहले लगी तैसी निभाए तोड़ है न कह कबीर था दास पे वारों सत करोड़ हाँ हाल फिलहाल इो उधारो वी कबीर साहब काबड़ो मैं खबरदार गलत था चो तो चो चंगो तुझी मर जो तू चवे हाँ भावार्थ पूरो थी व्याख्या भावार्थ पूरो थे मूल छंद छो से जो नाबादात महाराज है न हाँ मिठन नाथ बारे में हाँ जहाँ गणेशदास महाराज भावार्थ लिखो है वो पढ़ी पूरो से हाँ व्याख्या तो कर हाँ मिठन नाथ पहले पद है विठलनाथ ब्रजराज ज्यों कल पतो लगो से भाई हेन जो जेको लिखो ते सतयुग में लिखे न कल द्वापर युग में जेको गोकुल एवं श्री नंद बाबा जो महल हो जहाँ उनकी शोभा हुई वह शोभा दक्षिणा ते दीक्षित ब्राह्मण श्री विठलनाथ जी के समय में भी श्री विठलनाथ यो साउथ पास जो है दक्षिण जो है ये न घने भांग ये आचार्य वल्लभ आचार्य वगैरह ये सब उतों जाते हैं साउथ जाए घने भांग बड़ा बड़ा विद्वान हों हाँ भी आन काशी में पढ़ाईंदा दक्षिणा से पैर हों कुछ बंगाली भी हों कहीं घटताई कान के नेपाल पास जहाँ हों जनकपुरी जहाँ के पंजा यूपी जहाँ आसपास जी तो हर कई पैंजे अलग अलग विद्वान हों अस यूनिवर्सिटी में संस्कृत यूनिवर्सिटी में वो ढो उन याद होंगी वाणी तो, हाँ तैसी न भाई तोर ओ तोर न और तैसी नभ है और तारे पुरुष करोड़ अपनी देह में अपने देह की को गणे पैंजे एक देह जी छा गणप क्यों तारे हाँ तारे पुरुष करोड़ यो थोड़ो घो ठहक तो यो सही है जैसी लव पहले लगी तैसी नभ है और इतने और अच्छा और अपनी देह की क्या कहे हाँ अपनी देह की को गणे हाँ तारे पुरुष करोड़ पैं एक देह की सागरण पकजे पर करोड़ पुरुष वो तारे पार कह हाँ कबीर साहब जो लगभग लगे तो हाँ जैसे भी हुए तो याद कज लिखी दीजें वही पको कर छबो हाँ काशी के निकट लिखल है काशी के निकट चरणाद्री में मुझे प्रादुर्भाव लिखल है विठलनाथ महाराजन जो अच्छा काशी हाँ काशी के निकट चरणा
चरणांद्री जी अगते इंदुन कर बैठल ना से जो दक्षिण पास से जो ना है मतलब श्री बैठल नाथ जी श्री पंडरी नाथ जी के अवतार हैं। ऐसे संबंध में विठल नाथ वल्लभ आचार्य साउथ पास जो आ गए हाँ इन्हें पुत्र आवरी है। इस संबंध में विशेष अध्ययन के लिए देखिए इतने खंड में श्री वल्लभ आचार्य जी के द्वितीय पुत्र हैं। आपका प्रादुर्भाव विक्रम संवत 1572 में काशी के निकट चरणाद्री चुनारगढ़ में हुआ था। चुनारगढ़ भी हुआ दास भी हुआ घने बहने चुनार ठीक है। मतलब शुरुआत उतों की पैदाश अथन पुदी एडे वध्यान एडे प्रचार जो थो तो मतलब इन जो वृंदावन ठाए वृंदावन की भेंट तो करे वो गोकुल की भेंट तो करे जो द्वापर युग में गोकुलनाथ हो गोकुल जो या नंद बाबा जो महल जी शोभा हुई गोकुल जी भी नंद बाबा जी शोभा हुई वह सागी शोभा है ना दाखिण दीक्षित ब्राह्मण जो श्री विठलनाथ जी के समय में भी श्री गोकुल एवं उनके भवन की थी भवन जी गोकुल कहीं कल पढ़ी बुधा काथाऊँ मैं उत आए जाते है गोकुल आ गोकुल जो एक हिस्सों आए बाहर दक्षिण पासे आए मैं उते इन जो ठहल वल्लभ आचार्य जो अलग ही नगर ठहल हाँ गोकुल नाले से अथन तो अगे भी किथे मैं पढ़ो हो कल वे कें पढ़ी बुधा उत गोकुलनाथ गोकुल के भरता ही वे अलग इनकी वल्लभ आचार्य जी या बैठक है ये मंजीदान चौकी रखना मंजीदान में इतने गद्दी उनकी है तो अलग ही नंगर थोड़ा वसाया हो उन्हीं गोकुल नंद बाबा के महल से भेंट तो करे कि उन्हीं वागर उनको भी हो जी उनको इतने भी विठलनाथ जो हो ये तो गाल बुधाया हाँ वही पढ़ना वो जिस प्रकार के द्वापर युग में श्री गोकुल के गोपों का ऐश्वर्य देखकर देवराज इंद्र मोहित हो जाते थे उसी प्रकार का वैभव श्री विठलनाथ जी के समय में भी श्री गोकुल में था। सारांश यह है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र श्री विठलनाथ जी के विठलदास जी ने श्री भगवत वचन के भगवान के भजन के बल से मन कलयुग के अंदर जन द्वापर युग जड़ो करे छदी वो तो मतलब छ हाँ पहली सिट सजी आ विठलनाथ ब्रजराज ज्यों लार लड़ाई के सुख लियो पहली पंक्ति है न जी नाभादास जी है न छपे में विठलनाथ ब्रजराज जी ब्रजराज वांगुर ब्रजराज केर नंद बाबा जान जी लाड़ लड़ाई है प्यार कयो लाड़ लड़ाण माने प्यार करण सुख लियो वो प्यार प्रेम प्यार कंदे बालक से कृष्ण से सुख वरतई आनंद वरतई लाल मान नंद लाल माने नंद टीका में टिप्पणी में हेठा लिखे तो शब्दार्थ में लाल माने नंद लाल लाल बिन्हीं में लगाया हुआ कृष्ण में भी नंद में भी तो नंद लाल माने थोड़े में लाल और लड़ाई के प्यार करके लड़ाई माने प्यार अच्छा लाल लड़ाई के सुख लियो आनंद वरतो यह पंक्ति तो खे विश्वनाथ ब्रजराज ज्यों लाड़ लड़ाए के सुख लिया हो हाँ ब्रजेश्वर श्री नंद बाबा जी के वात्सल्य सुख के संबंध में देखिए पूर्वाध नंद बाबा जी अंदर वात्सल्य
सुख जो हो उन बारे में बुधाए तो हेतरे हंध बुधाए तो अथव हा श्री नंद जी की कथा नंद जी कथा वरी हेतरे पृष्ठ में अथव हा श्री यशोदा मैया जी की कथा ये अलग अलग जगह पे अथव हा श्री विठलनाथ जी का श्री ठाकुर जी के प्रति जैसा भाव था श्री विठलनाथ जो ठाकुर जी में जेड़ो भाव हो तो श्री ठाकुर जी भी इनके प्रति वैसा ही बाल विनोद करते थे इनके वात्सल्य भाव हो तो वो भी पुत्र वांगुर प्यार दींदो विनोद कंदो हो जी पी पुत्र सा कंदो आए एक हाँ। बार श्री ठाकुर जी को साक्षात कंदा ए असा तो बुधूं था पर वो साक्षात कंदो भगवान जो उन्हें उस में भक्तन था जी तमा असा एक बे सा मिलम जुलम था खाऊं था पीऊं था ये कंदो ये वर्णन ईन्दो है ये सचूं घटनाओं समझन खपन हाँ एक बार श्री ठाकुर जी को दूध पिला रहे थे एक दफे की गाल ठाकुर जी के ये विठलनाथ खीर प्यारे रहे हाँ। श्री ठाकुर जी ने एक घूंट पीकर दूध का कटोरा मुख से हटा दिया जय आपने पूछा ऐसा क्यों हाँ। आप पीते क्यों विठलनाथ पूछो भाई तुम आज पीते कौन है हाँ। श्री ठाकुर जी ने कहा दूध में मिश्री इतनी अधिक है कि वह मुझसे पिया ही नहीं जा रहा है जय जय तब विशेष मनोहार करके श्री गोसाई जी ने जैसे तैसे थोड़ा दूध पिलाया जी ते मनाए उनके थोड़ो खीर पिया दें दूसरी बार के भोग में आपने दूध में अल्प मिश्री डाली थोड़ी मिश्री भी दें हाँ। परंतु यह क्या श्री ठाकुर जी ने फिर पूर्ववत ही एक घूंट लेकर अपने मुख से कटोरा हटा दिया एक घूंट पी करके वही वापस चले चले और जब पुनः श्री गोसाई जी ने पूछा तो कह दिया कि अब की बार तो दूध एकदम सीठा लग रहा है सीठा सीठा माने फिको सीठा ऐसे वही व्याह तो फिके अर्थ में तो सीठा भाई हाँ तो तमाम फिको तो लगे पे अस फिको चाहता हूँ फीका भी चाहिए हिंदी में सीठा लिखा उतन जे हुंद ब्रज भाषा में या कह में हाँ भला इतना सीठा दूध कोई कैसे पी सकता है ये तो फिको खीर माँ क्यों पी सकन श्री गोसाई जी के विशेष विनती करने के पश्चात थोड़ा सा दूध पिया पो वरी घणी विनती के मतलब मनाई उनके फिको डुक बद पीते हाँ पुनः जब भोग का अवसर आया भोग जे वक्त जी गाला तो श्री गोसाई जी ने दूध और मिश्री अलग अलग रख कर भोग लगाया मिश्री भी अलग रखे खीर खीर अलग रखे श्री ठाकुर जी ने पूछा ऐसा क्यों आने वाली ये शातो करें पे हाँ ऐसा तो आप कभी करते नहीं थे हिन मलते हैं तो ये कंदो कौन है श्री गोसाई जी ने कहा कि जब मेरे द्वारा मिश्री मिलाया हुआ दूध आपको अनुकूल नहीं लगता है तो आज आप स्वयं ही मिश्री मिलाकर पी लीजिए जय जय श्री ठाकुर जी ने कहा परंतु मुझे तो मिश्री मिलाना आता ही नहीं है ठाकुर जी मुख्य रजन दे माँ करी मिश्री मिलाई काने तुम मिलाए ठाए दिन दिया दिन दो तुम हाँ। मैं कैसे मिलाऊंगा आप ही मिलाकर पिलाइए तब गोसाई जी ने झुंझला कर कहा कि जब तुम दूध में मिश्री मिलाना जब आप दूध में मिश्री मिलाना जानते ही नहीं तो इतनी बात क्यों बनाते हो हाँ ये डोरा पर नहीं तो खबर भी को नहीं मिलाने जी तो जी को ठाए दें तो चुप कर पी बालक कहीं रुसंदा न मां साई वट न वेंदस तू हल नंढा बार के मतलब घणी गाल कजब अड़ी तो भगवान भी हाँ लीलाऊँ ये चाहिए भगवान रुसण हाँ तब गोसाई जी ने झुंझला कर कहा कि जब आप दूध में मिश्री मिलाना जानते ही नहीं हो तो इतनी बातें क्यों करते हो जैसा दूध दूं वैसा ही पी लिया कीजिए श्री ठाकुर जी संकुचित हो श्री गोसाई जी के वक्षः स्थल से चिपक गए ये बालक चिमड़ी पौधा माता के
श्री गोसाई जी ने श्री ठाकुर जी को हृदय से लगा सुख सिंधु में लगाकर सुख सिंधु में डूब गए, उनके हृदय से लगाएं सुख सिंधु में निमग्न हो, निमग्न थी भरपूर थी लबालब थी प्यार प्रेम में या अथट खें सुख लियो लाल लाए के सुख लियो। जे मृदेश्वर मन नंद बाबा बालक सा कृष्ण सा लाल प्यार करे आनंद में रहो तेरी तो है भी विठलनाथ भी भगवान के कृष्ण के ठाकुर के अड़ी तरह प्रसन्न कंदो आनंद वठंदो हो। यह पहली पंक्ति जी खोल कई इन व्याख्या कंदड़ रामेश्वर दास महाराज वो रामेश्वर दास महाराज यह एक नई गाल थोड़ी लगी भगवान भी है प्रसन्न आ वरी परचाइण पवंद बालक के रिझाण दारी दुखी गाल याद अच्छी गाल गुरुमा बुधाइंदा चाहो तो बुधाया एक दफे बीरबल देर से पौत बादशाह तो पुछे छो देर के बीरबल के कुछ बनाने इंदो भी हो और सच्ची घटना भी थी वी कें बनाने न इंदो भले कूड़ी हुए पर बनाने इंदो अड़ो जन सही लगन और सच्ची घटना भी जो वर्णन कह लगंदी कूड़ी तो गाल करे बुद्धि बुधा तो करे ये थी यार कें अंदर उनकी कुछ साधना में कैल भी हुई देवी माता जी कुछ मत कृपा ठहक गाल वणंद जवाब इनजो बेन मंत्र भी पैं जाए हो पुछें छो देर के मोहमान तो साई क्या अज न पुछो तरी भी देर से अचान ठीक अचे वो तो ना बराबर ठीक ड्यूटी देर कोई पैं टाइम से अचे चे बालक के पे रिझाए में देर थी वही अरे बालक के रिझाण तो को देर आ चाहे चीन साई नो कोशिश कम घो टाइम लगी हो रिझाण के चे बालक के मे कुछ न कुछ दई करके हटाए हलो अच बा ड्यूटी से न चीन साई बालक से कम पे तो पतो पे चई कि वे पतो थो चई चंगो मां थोड़ी देर जाए बालक तो बणजा पो तू मुखे राजी कर रेखार चई बणज भला ठीक है दिसूं कर रेखारो चई तो रोण लगो बादशाह तो छो छो खपे चई हाथी आने दे इतने हाथी कें ईंदी इतने घर में इंदी से हाथी न बाबा मुख्य आने दे मुख्य खपे तो हाथी खपे मां ऐसी आयो बाहर आया हाथी इन्हीं के वी जो कृष्ण भगवान भी माता जसोदा क्या चंद्रमा के ऐसी चंद यो चंद्रमा आने दे मुख्य न तो मां रोआ तो माता होशार हुई सावधान थी दर्पण खन ऐसो आए कि न कौन को दर्पण भी घट हूँ उसे तेम शुरुआत में वो थाली पानी विझी करके ये बुधाईंदा पैरें दर्ज में लिखल आनेस भाई ऐस दिठी तो बराबर अची वो खुश थो ढो तो अड़ी तरह अटकल से बार के अजक सियाणा तो बार न समझा एक रांद को मोकिल चई हे मैं अठे साल जो बालक आया हे तो रांद को चैन साल वाले जो मोकिल थी मां वायरो चार साल अठ साल मे रांद को अथी न दिल में चयके तो नालस हाँ वो मूसा गाली तो भी को माँ पी अथ मतलब जैसा प्यार है हाँ तो मतलब कें सलाह न सुबाई इं कर हाथी मे खी अच जो है हाथी कें खी अचब अंदर घर में इंद बालक जो है हाँ परचान लगे तो रुझे ही न चो सतनाम था अड़ी तो घणी कथाओं आन बुधाइंद हो रहजी वी गाल वे हाँ है न सीठा मन फीका फीके के सीठा भी चाहब है हाँ यो गुजरात में कें राजस्थानी बोली में या कें में आए सीठा
नारायण नमस्ते नारायण भगवान नरनरोत्तम भगवान सरस्वती माता नाम की जय भगवान की जय। हाँ कहाँ तो वाले 70 प्रकरण तो वाले जी 70 प्रकरण 70 सेवन जी 70। हाँ श्री कृष्ण बलराम का गुरुकुल में विद्या अध्ययन विद्या अध्ययन लाए वजन था श्री कृष्ण बलराम बेकार में मानव की बुद्धि में बहुत से दोष होते हैं मानव को अपने नहीं गाला के ब्याह मत पंथ वाला न मजे दान मैं जेका बुद्धि असान जी आवा सही है या जेको गुरु लिखो है वो ही सही है पर सनातन धर्म जी गाल में चंदो ता पैंदी बुद्धि हलायो आई बुद्धि कुछ मथे चलो बुद्धि पूरी तरह फैसलो न कर सकंदी बुद्धि भी कुछ हद ताई हलंदी तर्का प्रतिष्ठानात वेद व्यास महाराज ब्रह्मसूत्र जे अंदर लिखियो आहे तर्क जी यानी बुद्धि जी भी प्रतिष्ठा पूरी न स्थिति पूरी न तर्क जे मथां तर्क तर्क जे मथां तर्क थींदी वेंदी एक बजे खंडन थींदो वेंदो इन करके इन जो एतिरो महत्व न आहे कंहिं महिल बुद्धि कहिड़ो थी जवाबु ॾे इंद्रियूं ॾिसंदे पूरी तरह किथे न पकिड़े सघंदियूं आहिनि बोभ लालच जे करे या भर्म कई अवगुण आहिनि इंद्रियुनि जे अंदरि बि ईअं लिखियल आहे शास्त्र में घणियूं ॻाल्हियूं लिखियल आहिनि। हा हलो मानव की बुद्धि में बहुत से दोष होते हैं मानव जे बुद्धि में दोष घणा ई थींदा आहिनि मानव को अपने दोष गुण के जैसे लगते हैं पंहिंजा जेके आहिनि दोष उहे गुण वांगुरु लॻंदा ॿिए जो गुण बि अवगुण लॻंदो आहे पंहिंजो अवगुण बि गुण लॻंदो आहे इहो स्वभाव हिकु मनुष्य जे अंदरि। हा किसी संत में विश्वास रखो चए तो कंहिं संत में विश्वास रखो किसी संत को श्री सद्गुरुदेव मानो श्री कृष्ण भगवान सांदीपनी ऋषि को सद्गुरु मानते हैं गुरुदेव श्री कृष्ण भी संदीपन के गुरु करे ऋषि के मने तो पे वहा गुरुदेव की सेवा करते हैं गुरु जी सेवा भी करे तो यो करण खपे इंसान के यो सिख्या ॾियण जे लाइ जेतिरो हुनखे ज़रूरत कान्हे पर असांखे सिख्या ॾियण जे लाइ पीउ खे या उस्ताद खे ज़रूरत न हूंदी आहे पर पीउ वीचार करे ॿुधाईंदो भई चओ क बालक जे नाते या उस्ताद बि ईअं सेखारींदो आहे अॻे हथ खां वठी पथ पकिड़े लिखाईंदा पेन सां बालक छा ॼाणे त हुन लिखा पाए हीअं कर शुरूआत जी ॻाल्हि आहे त शिक्षार्थ लोक शिक्षार्थ उनखे संस्कृत में चइबो आहे लोक शिक्षार्थ गीता जे अंदरि बि कई जॻह आयो आहे। हा विद्या विनय और विवेक से ही सफल होती है विद्या अलॻि कर विद्या हीअं पर विनय और विवेक से ही विद्या सफल होती है विद्या कॾहिं सफल थींदी विवेक बि खपे विनय बि खपे विनय और विवेक से ही विद्या सफल होती है हाँ विद्या हुआ था ही विनय भी इंदिया है विद्या ददाति विनय विनयाति आति पात्रता पात्रता धनम मापनोति धना धर्मम तथा सुखम त विद्या ॾींदी आहे विनय ऐं विनय हूंदी तॾहिं विद्या ईंदी ॿई ॻाल्हियूं आहिनि त उहा थो चए विनय ऐं विवेक इहो हूंदुसि त विद्या उहा सफल चइबी आहे जे ॿई विवेक अलॻि थींदो आहे बुद्धि विद्या अलॻि बुद्धि अलॻि विद्या अलॻि विवेक वरी अलॻि ई थींदो आहे। हा विद्या को विनय और विवेक का साथ न मिले तो वह विनाशकारी बनती है विनय और विवेक ये ॿई चीज़ न मिलनि त इहा विद्या छा थींदी विनाशकारी थी वेंदी।
हाँ श्री गुरु जी जो कहते हैं उसे श्री कृष्ण ध्यान से सुनते हैं। श्री कृष्ण ध्यान था बुद्धि पे। एक बार सुनने पर ही श्री कृष्ण को सब कुछ कंठस्थ हो जाता है। केतन के बटे दफा बुधाए मस मस के तो बुधंदा ही घट आने के ध्यान न नींदा के कई दफे तो याद चींद क्योंकि बचार दफा बुधाई पवी हाँ तो एक दफो बुधा मन उनके पहनों तो कुछ हो को मुझे नालो मातम हमारे महापुरुषन के नाले मातुर एक ब अखर को पढ़ा न तो घने भंग पढ़ा पढ़ाया थन सदगुरु टेवराम जी जीवनी में भी ये उनके अनुभव हों शास्त्रों से ठहक हों भले पढ़ल न भी होजन हाँ उनको अनुभव हों खुल हों। श्री कृष्ण बलराम ने पैसा कमाने के लिए विद्या नहीं पढ़ी। हाँ अजकल असान जो विद्या पढ़ा था घने पैसे कमाने लाजे अर्थ करी विद्या अजोकी विद्या के चाहिए अर्थ करी विद्या पैसों कि ठगजे रात में ये पढ़ाईंदा बुधाज न कें माइकी मुझे बंद कर छे वही भाई ये छो तो चवें विद्या असं सीख खे जैमें असा संस्कार पवन अजकल जी विद्या ये है भाई कें माता भी ये सीखन कि टोपी लाएस पीव जी डंडो देखारेस भाला हे पैसा कड़ी अच्छे खीसे में यो सब हे पढ़ी अचो स्कूल कॉलेज में घने भागें पूरे कि अच्छे कि पैसा घना कमाएजन सब रात में यो ही हों घने भागें सस से कि पुजे सास भी कभी बहु थी। हाँ श्री कृष्ण बलराम ने पैसा कमाने के लिए विद्या नहीं पढ़ी। पैसा कमाने की विद्या तो वैश्या को भी आती है। वैश्या होशियार उन्हीं का पढ़ो वहीं जे ताके पैसों भी कमाने आए ता वैश्या प्रवीण थी दिया पैसे कमाने में मन भी अनु कम दिया पैसा भी कमाई दिया दौर मशहूर है करो शिष्य। हाँ हलो हाँ वैश्या भी प्रवीण है। हाँ हलो वैश्या पैसा कमाती है पैसा कमाने की विद्या ही सच्ची विद्या नहीं है। वह सच्ची विद्या नहीं विद्या उसको कहते हैं जो वैराग्य को जागृत करती है। विद्या नालो ने जो है देखो वैराग्य के जागाए विद्या उसको कहते हैं जो जन्म मरण के त्रास से छुड़ाती है। जन्म मरण के भव का दूर करे विद्या नालो ने जो है आजकल स्कूल में कॉलेजों में पैसा कमाने की विद्या ही पढ़ाते हैं। यही पढ़ाई विद्या रात में बेओ जुमलो कहीं कहीं कॉलेजों में वेदांत पढ़ाते हैं। किते किते समझ में पढ़ाएं था वेदांत वह वेदांत पढ़ाने वाले प्रोफेसर विलासी होते हैं। पान जैसे सुधरना है संसार के सुधरने वाली विद्या वेदांत विद्या किए पढ़ाए सकते विलासी वेदांत क्या पढ़ा सकता है। जो विरक्त है जो तपस्वी है वही वेदांत पढ़ा सकता है। जय गुरुजी बनने का अधिकार ब्राह्मण को ही दिया है। ब्राह्मण इतर कभी गुरु नहीं हो सकता है। ब्राह्मण का स्वभाव गुरु न बनती है। सनातन धर्म की यही मर्यादा है। जय जय पूजा गाय की होती है। भैंस बहुत दूध देती है तो भी भैंस की कोई पूजा नहीं करता है। जय जय पूजा गाय की ही होती है। गाय माता भले दूध कम ही देती हो या न देती हो तो भी मार्ग में गाय का दर्शन हो तो शकुन माना जाता है। भैंस का दर्शन हो तो शकुन नहीं माना जाता है। गुरुजी बनने का अधिकार ब्राह्मण को ही दिया है। ब्राह्मण इतर गुरु नहीं हो सकता है। जिसका ब्राह्मण शरीर नहीं है
उसको व्यास गादी में बैठने का अधिकार नहीं है, वह उपदेश नहीं कर सकता है। सनातन धर्म की यह मर्यादा है, ब्राह्मण केवल जाति का ब्राह्मण नहीं, जो तीन बार संध्या करता है, जो तपस्वी है, तपस्वी हो जाए वही ब्राह्मण। संध्या माने गायत्री मंत्र पढ़ना या जेको कृष्ण जो विधान आए घनी मुख्य जानना है उन्हीं जी। हाँ, जो तपस्वी है वही ब्राह्मण वेदांत पढ़ा सकता है। भजनानंदी साधु संत विदेश भी जा सो भाई पढ़ाए सकता है, पर विलासी वेदांत क्या पढ़ाएगा? विलासी न हो भजनानंदी साधु संत हो जी वेदांत पढ़ा सकता है। ब्राह्मण केवल जाति का ब्राह्मण नहीं, जो तीन बार संध्या करता है, जो तपस्वी है, वही ब्राह्मण वेदांत पढ़ा सकता है। भजनानंदी साधु संत वेदांत पढ़ा सकते हैं। कुछ रखें पत्र जी और चवें साधु ब्राह्मण को साधु कोई न पर चैन साधु संत पढ़ाए सकता वेदांत पर भजनानंदी हुजन। हाँ, विलासी वेदांत क्या पढ़ाएगा? विलासी वेदांत की पुस्तक पढ़ने का अधिकार ही नहीं, विलासी को वेदांत की पुस्तक पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। विलासी मन वेदांत दे पुस्तक पढ़ने जो अधिकार ही कोने को। वैराग्य पात्र में ही ज्ञान टिकता है। हाँ, वैराग्य रूपी पात्र न हो तो ज्ञान बह जाता है। वैराग्य रूपी पात्र न हो तो ज्ञान वही बिंदु। जिस घड़े में पानी भरना है उस घड़े की लोग चिंता रखते हैं कि घड़े में छिद्र न हो। जय जय। एक आध छिद्र हो जाए तो उस छिद्र से पानी बाहर निकल जाएगा। जय जय। मानव शरीर भी घड़े के जैसा ही है, इसमें अनेक छिद्र हैं। बहुत से लोगों का ज्ञान आँख से बाहर बह जाता है। जय जय। कितने लोगों का ज्ञान जीभ से बाहर बह जाता है। जय जय। इंद्रिय रूपी छिद्रों को जो बंद रखता है उसी में ज्ञान रूपी जल टिकता है। ज्ञान का अधिकार सभी को नहीं है। ठीक है, रख बोले ज्ञान जो अधिकार सब कहेंगे कौन रखा। सुखदेव जी महाराज राज ऋषि को सावधान करते हैं। हे सुखदेव महाराज, हाँ वो प्रसंग वही खड़ी तो अचे हाँ अध्यात्म कुछ गाली पैं पारा न के आयु वे बुधाई हाँ राज ऋषि परीक्षित महाराज के देखो जहाँ भजन कंदो हो जो भजन आनंदी भजन में आनंद अचे तो हाँ ब्राह्मण हाँ यो सही है। हाँ ब्रह्म जो जैसे ज्ञान हो जे निष्ठा भी हो जैसे हाँ हर जाति करके न हो जे ब्राह्मण पर वो भी पूजनीय उनकी खानदान तो सुठो आए न पो बिगड़ी अगते हली ब्रह्म श्रोत्र ब्रह्म निष्ठ बई होजन और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जे हाँ उन्हीं महिमा वधीक ब्रह्म हाँ पर हे जाति भी दे तो पे हाँ सुठी समझाए वो सुठी फेरे न वे बुधंद कावड़ पो इंदो ही न वे जो वरी हाँ जी हाँ वही जो चवान पे तुलसी प्रभुदास के चंगी तरह याद हो उनके सदु होंद जरूर हाँ तुलसी चतुर सोनर चतुर्थी सोनर चतुर है भाज राम भजन लवलीन राम जे भजन में लवलीन आ तुलसीदास तो वो प्रवीण है सियाणो है। हाँ पर धन पर मन हरण को वैसा हूँ प्रवीण पर जे बे जे धन के
बे जे मन के हरण के लिए वैशा भी प्रवीण है हाँ होशारू है पैसा कमाय तो उन्हें वट वो गुरु उन्होंने करो जो पैसों कमाए जान अम्मा के धंधो कर अम्मा तो माँ के रखो धंधो पेट कुदरत वेह तू भी वेही नाम जप मां भी जपया मथो खुड़ाए वेही था रहूँ तो जैमल आया रोटी खाए जाए जेका चई खाए जाए वाहेगुरु चई करके ग्रह खाए जाए प्रसाद हलिया वा घना चेन अस धंधो दस मां धंधो मां कयो कोने को मां वन्या घर पहर सीखी अचा बाबे के जागाया उठ मुखे धंधो सेखार मां बेन के लगाया धंधे में हाँ कोई न जपे तो मान हाँ कोई न तो जपे से कंखे वांद कई काने वो मां किए नाम जपया बाबा वांद अच्छा अस वांदा मान वेठा वो राम राम वही जपींदा हाँ रखा तो वड़ी माला हजार दानन वाली हुए जैसे दिसन में अचन बराबर नाम जपन था एक रखी तो आए अना ग्राहक अच्छे को अगरबत्ती बारे सामू फोटू रखो ए माला वी खी वही रहे वो कम का बची वो या वी लठ खी वेही रहो मुझे दर से वेही रहो मू चवे भाई ये तो भगत मानू तो लगे इन का संभाल दे सेवादारी है बचाव जहा तरीका घना ही आन हाँ हाँ पर हाँ थी वो भगत माल पढ़ी थे हाँ, कहो हो यो विठलनाथ श्री विठलनाथ भगवान जो तो हले जो बालक वागुर उनके भगवान ठाकुर रुसे तो मनाएस तो पो खीर पीरस तो पो रुसणो भी अथ भगवान वे परचाईस भी बार जान तो सवला पालन पर औखा अव भया भय बारे में प्रकरण में हलो से टीह श्लोक प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भय भय अद थी वो श्लोक अद थी हाँ बो अद वरी बंदम मोक्षन से आवे बंद शाखे तो चेजे मोक्ष साके तो चाहिए जेका बुद्धि जाने थी अड़ी बुद्धि सातु की बुद्धि आए वह खोल कंदो भागवत नवनीत में कृष्ण बलराम विद्याजन ला गुरुकुल में विद्याजन ला गुरुकुल में व्यान उते गुरु करण जरूरी आए उने जो पर संत पेंजे लेके थोड़ो समझाने नी हुंदी भागवत जे अंदर हुंदी मतलब हाल फिलहाल हिंदी में सवलाई से समझाई गुरु करण की जरूरत है तरी से कृष्ण बलराम बयान गुरु कर तो वही करके गुरु करण खपे वह उन बारे में हलो अच्छा विद्या होन खपे वे विद्या में हे गुण होन खपन विवेक भी हुए नम्र विनय भी हुए और विद्या कंखे हुए अजकल विद्या स्कूल में वह विद्या ना है वह विद्या अर्थ करी तो मां चयम इन थोड़ी चई हे बुझ मारे वेज अर्थ कर पैंजा अखर छो तो पैसा कमाने इन अखर याद कर बुधायण इनके तो मुख्य बुधायण तो हाँ पैसा कमाने विद्या आई हुई हाँ अध्यात्म विलासी वे अधिकारी ना खुद पान ही बे के छा विद्या रही सकंदा तपस्वी हुए भजन आनंदी हुए वो विद्या वेदांत की विद्या पर खास हुआ अध्यात्म विद्या विद्या नाम भगवान चो विद्या में अध्यात्म विद्या में हाँ
दह में आया है विभूति योग में। हाँ, ये अध्यात्म विद्या, आत्मा जी विद्या, अंदर जी विद्या, परमार्थ जी विद्या, परमात्मा जी विद्या, वास्तविक विद्या भी नारायण अध्यात्म विद्या होनी। हाँ, स्वभाव अध्यात्म उच्यते, अध्यात्म मुखा कहीं पुष्प मूंखे पको न आहे। व्याकरण मुझे ॿुधायां थो, आत्मनि इति अध्यात्म, अध्यात्म अखर ईअं ठहियो आहे, आत्मा संबंधी वास्तविक वरी भॻवान हुनखे अध्यात्म खे अर्थ खयो आहे। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, अरे अठे अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग जेको आहे, मैं अध्यात्म छा खे चइबो आहे, ब्रह्म छा खे चइबो आहे, त अध्यात्म लिखियो अथई, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। स्वभाव जो नालो अध्यात्म आहे, स्वभाव पंहिंजो भाव, पंहिंजो स्वरूप, निज रूप याने आत्मा जो रूप, उन जो नालो अध्यात्म। ईअं पोइ थोरो घणो सम्झ में पाई अथ अठे ताईं, किंग त ब्रह्म किं मध्यात्म किं कर्म, त उते पहिरें अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते, ॿियो पाद आहे इहो ॿिए श्लोक जो घणे भाङे। हा, टियों श्लोक, श्लोक टियों आहे इहो, अच्छा टियों ई सही। हा, हाणे इहो छा थी वियो, बसि खोल। हा, हुन प्रश्नोत्तर रहिजी वई जी, पढ़ न पोइ जल्दी पढ़ न। कलयुग प्रकरण तोले शौं, इन में अॼु पंजो प्रश्न आहे। हा, 24 तारीख़ हलियो आहे, माने हिकु 24 पंजवीह बि हलियो, ॿ ऐं 26 बि हलियो, टे ॾींहं हलियो लॻातार, हा न, घणा सुवाल हुया, चार सुवाल हलिया, टे ॾींहंनि में चार सुवाल हली चुका आहिनि। हाणे पंजो नंबर, चौथों ॾींहुं पंजो सुवालु आहियो, ॾींहुं चौथो सुवाल पंजो, पंजो नंबर प्रश्न थो रखे, बसि ॿ सुवाल नंढा न, नंढो कर त नंढो बि आहे, वॾो कर त वॾो। हा, पंजो प्रश्न, आजकल पाखंडी साधुओं का अधिक प्रचार क्यों होता है? अॼुकल्ह घणे में पाखंडी साधुनि जो प्रचार घणो थी वियो आहे। उत्तर, इसमें अॼु, हा, हिन खां अॻु में वारो पढ़ त पोइ, कली कर, कली कर एक पुनीत प्रभाव प्रताप, मानस पुण्य हो नहीं पापा, इते उहो अख़र पकड़ियईं अॻिली ॻाल्हि खे, कलयुग जो हले ज़िकरी सॼो कलयुग जो आहे। हा, त इन्हीअ सां संबंध रखंदड़ आहे। हा, हिन नुन इन्हीअ खे वरी पढ़, कली करे एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य हो नहीं पापा, इसका तात्पर्य क्या है? जय, उत्तर, यह भगवान ने कलयुग में छूट दी है, जय जय, मन में पुण्य कर्म करने की इच्छा हुई पर किसी कारण से कर नहीं सके तो भी उसका पुण्य लगेगा, पुण्य मन मिलंदो जेको, किसी कारण से मन में पाप कर्म करने की इच्छा हुई पर कर सके नहीं और उसका पश्चाताप हुआ तो उसका पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य है कि मन में आने से पाप नहीं होता, प्रत्युत करने से पाप होता है। दे दे, जिसकी इच्छा, जिसकी इच्छा मां नियत पाप करने की है, भावना ही आहे मां पाप कयां, मैं उसको तो पाप लगेगा, उन्हीं के तो पाप लगंदो ही लगंदो, क्योंकि इच्छा पाप का मूल है, पाप जो मूल चाहे इच्छा ही आए, जिससे पाप पैदा होता है, जै मां पैदा रजे गुण मां याने पाप पैदा थींदो आहे। हाँ, पाप करने की नियत न होने पर भी किसी कारण से पुराने संस्कारों से कलयुग के प्रभाव से मन में पाप की वासना आ जाए तो उसका दोष नहीं लगेगा। हाँ, घणा ये सोचींदा रहंदा आहिनि, टेंशन में लाहींदा आहिनि, भला दोष कयो आहे, भला ॾोह कयो आहे, भला
हिन खे मां सतायो घणियूं ॻाल्हियूं सोचींदा रहंदा आहिनि उन्हनि टेंशननि खां सतम समाप्त थो करे त ख़्यालु न कयो वे पुराणे संस्कारनि जे कारण या कलयुग जे प्रभाव जे कारण मन में काई पाप वासना अची पई वञे उहो दोष न लॻंदो तव्हांखे। हा हाणे पंजो प्रश्न आहे, अॼुकल्ह पाखंडी साधू घणा वधी विया आहिनि, हा न? उत्तर, हुनजी पूजा थिए थी पई, हुनजो प्रचार वधीक वियो आहे। हा अॼुकल्ह पाखंडी साधुओं का अधिक प्रचार क्यों होता है? हा उत्तर, इसमें कलयुग सहायता करता है। भाई इनमें कलयुग महाराज सहायता कंदो आहे, भाई ये साधु पाखंडी वधन, यदि उनके पैंजो खपे न, यदि पाखंडी साधुओं का प्रचार नहीं होगा तो कलयुग कैसे कहलाएगा? पाखंडी हुंदा आहिनि पोइ त सतयुग ई चइबो न, कलयुग छा? कलयुग जी निशानी इहा आहे कलह थिए, झगड़ो थिए, पाखंड ॾेखाव। हा वास्तव में पाखंडी साधुओं का प्रचार केवल बबका होता है। चए थो वास्तव में पाखंडी साधुनि जो प्रचार जेको ॾिसण में अचे बबके मात्र आहे, जो स्थाई नहीं होता। स्थाई न रहंदो, थोरी देरि जा चमक दमक थींदी पोइ गुम थी वेंदो। असली त्यागी साधू जेके असली आहिनि या त्यागी साधू आहिनि, प्रचार स्थाई होता है। हुन जो प्रचार स्थाई थींदो आहे, हमेशह जे लाइ थींदो आहे, पको थींदो आहे। उसके द्वारा लोगों का स्थाई और असली हित होता है। हित भी हुन जो स्थाई थींदो, असली थींदो। जिसके भीतर थोड़ा भी भोग वासना, जैसे अंदर थोड़ी भी भोग वासना। थोरी भोग वासना हूंदी साधुअ जे अंदरि त हुनजो हित न थींदो, भगत जो कल्याण न थींदो। हा माने भोग वासना बिल्कुलु न हुजे, निष्काम हुजे। हा इहो पंजो प्रश्न हो। पोइ बब खे मात्र थींदो आहे, उन मां डिॼण जी ज़रूरत कान्हे, थोरी देरि जे लाइ थींदी आहे चमक दमक, पोइ लही वेंदी आहे, फ़ाइदो उन मां न पहुचंदो, उनखां न्यारो बसि रहिजे। असली फ़ाइदो खपे त सचे साधु संत जो सहारो वठिजे, बसि एतिरी ॻाल्हि ॿुधाई। हा पंजो प्रश्न पूरो, सवाल पंजो पूरो कयईं। अॼुकल्ह पाखंडी साधू का अधिक प्रचार क्यों होता है? ॾिसो जो कलयुग महाराज हुनजे मथां हथु रखी वेठो आहे, भई कयो प्रचार, मज़ा आयो तव्हां। हा ख़ुशी थींदी आहे, कलयुग खे कलह थींदो, ख़ुशी थींदी आहे। छा चयो? अशांति थींदी, न टेंशन वधी वई कंहिंजी, ॾाढो कलयुग महाराज अहिड़ो ख़ुशि थींदो आहे, वाह वाह मुंहिंजो अॼु असरु थियो बराबरि। हा छहों प्रश्न, हा हाणे हिन में पछाड़ी वारो कलयुग जे अंदरि छह प्रश्न हुया, अॼु छहों हाणे पछाड़ी वारो पढ़ियो थो, हिकु पंजो पढ़ियो थिए, हाणे छहों थो अचे, पोइ इहो प्रकरण कलयुग जो पूरो कंदो हिते। हा स्वर्ण में कलयुग का निवास बताया गया है। भाई सभिनी खे ख़बर आहे, मशहूरु आहे ॻाल्हियूं, मशहूरु जेके आहिनि प्रचलित आहिनि उन ॻाल्हियुनि जा ई सुवाल ठाहे, या कोई जिज्ञासु थो पुछे या पंहिंजे पारां ई ठाहे लिखे थो पियो, भाई कलयुग जे अंदरि कलयुग जो वासो सोने में चयो वियो आहे। अत स्त्रियूं को सोने स्वर्ण में कलयुग का निवास बताया गया है, अतः स्त्रियों को सोने के गहने पहनने चाहिए या नहीं, सुवाल तो करे, वो पाइन या न पाइन, जो कलयुग जो वासो आहे त न पाइणु खपेनि। पोइ संत ॾिसो हाणे कहिड़ो थो जवाबु ॾिए, ॿई पासा औखान, माइनि जी मार खाइणी अथसि, चवंदो न पायो त छाजे लाइ सोना गहणा ॻणजनि था, छाजे लाइ? मर्दनि जे लाइ त आहिनि ई कोन। हा जवाबु ॾिए थो दयालु संत राम सुखदास महाराज, हा गहना पहनने में दोष नहीं, गहनो पाइण में को दोष कोन्हे को। हा स्वर्ण को पवित्र माना गया है, स्वर्ण पवित्र मञियो वेंदो आहे, काई अशुद्ध पवित्र थिए न,
थिए थो मुर्दे वटां या मसाण मां पोइ सोने में हथु लाइ पाणी डुक विझी उहो छंडो अनुभव पवित्र थींदो आहे सोनो पवित्र लेखियो वेंदो आहे हा गहना उहा ॻाल्हि थो ॿुधाए की गहना पाने में दोष न ईंदी त स्वर्ण को स्वर्ण को पवित्र माना गया है। स्वर्ण के अभिमान में कलयुग का निवास है। सोने में कोने को कलयुग जन्म पर सोने के अभिमान में संत उठाए वो गाल के साथ संत जी संत उठाए वो गाल के ये नित्य होने तो पुछत मैं सोने में स्त्रियों सोनो पाएन कलयुग जो निवास सोने में जो चाहिए इनके स्त्री पाएन या न पाएन वह गाल ही फेरे वो ये गाल तो करे चे भाई गहने में डो कोने गहना भले सुवर्ण तो पवित्र है सोनो पर गहना न तो चाहिए सोनो पवित्र है सुवर्ण के अभिमान में कलयुग का निवास है सोने में न पर सोने के अभिमान में अथव जो सोनो जेवर पाए ॾेखारी ॾियनि था मतलब पोइ डाकुन चोरन के वज मिली वञे थो हा खैर मतलब अभिमान में दोष सोन जे अभिमान करण में दोष आहे पैसो न आहे दोष वारो पैसे जो अभिमान माण्हूअ खे किराईंदो आहे सूंहं का ख़राबु कान्हे सूंहं जो अभिमान किराईंदड़ आहे जेवर पायो का मना कान्हे का पर घर में पायो पति के प्रसन्न करण के लिए या वध में वध शादी गमी से को वञणो हुजे बस थोड़ो घणो ॾेखारियो बाकी ॾेखारण सब के एक माई जा कोई सोना गहना मथ में सिकी करके ठाराई वो चाहे पे कोई ॾिसे कोन थो कोई पुछे कोन थो सदू मां ॿुधाईंदा कथा ॿुधाई मां छा अच्छा अॻे नथो ॿुधल ॿुधल हूंदव अध जी ॿुधल हूंदी जंहिं अध खे यादि आहे उहो ॿुधाए बिना ॿुधल वारे खे पोइ माता चवणु लॻी कोई पुछे कोन थो घणा ॾींहं थिया आहिनि मां सोना ॻणाए ॻणा ठाराया आहिनि एरिंग पाता आहिनि कल नक भूलो पातो आहे नथ ठाराई आहे छा छा टूट पटो पोइ कोई ॾिसे पुछे ई कोन थो पियो छा कयां पोइ मां चयो माता भला कुझु उपाउ कर चई कहिड़ो उपाउ कयां मां चयो झूपड़ीअ में रहंदी आहियां चई हा काठ जी आहे चई हा कख पना काठ ग़रीब पर ॾिसे कोई अमा शोहर बि खपई माण्हू ॾिसंदा तॾहिं कीअं शादी गम कीअं थींदी घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि चङो पोइ हा ॾिसनि मतिलबु मां चयो चङो भाउ वञ किचन में रसोई घर में हिकिड़ी काठी खणु खणी करके बाहि ॾे झोपड़ीअ खे पोइ पोइ माण्हू ईंदे चयो छा थियो छा थियो पोइ चवंदा आहिनि रे मुंहिंजा एरिंग बचा अथव मुंहिंजो नक भूल बचो अथव हे बचन कोको बचो अथव इहो पुछो नथा पिया बाक़ी झोपड़ी छा थी सपड़ी में छा हुई छा जली वई छा ख़तमु थी वई अड़े थियो या न थियो पर हे बचान उहे त निहारियो न बोल कृष्ण चंद्र पोइ उहा मशहूरु थी वई माता मुंहिंजो कथा में भई नालो खणंदा कयो भला घटि में घटि बोल थिया भला हाणे कलयुग जो कारनामा पूरा थिया छा चवनि कारनामा माने कर्तव्य माने कार्य हिन सुठो अखर लिखियो आहे कारनामा न लिखिया अथई पर कलयुग पासे नालो रखियो अथई इहे छह सुवाल हुया छहनि जा जवाब ॾिनई हाणे कलयुग खां पोइ कहिड़ो आहे कामना जेका जीव जे अंदरि आहे हे मुंड खंडु पढ़ंदा आया आहियूं घणा पढ़िया आहियूं हिकु अर्पण ऐं ॿियो भॻवानु को सर्व अर्पण करण खे बाद संस्कार वचन निषिध कर्म हो सघता है क्या इहो हुयो अच्छा न हलो अर्पण खां पोइ ॿियो प्रकार अवतार हुयो अर्पण खां अ खां शुरू कयईं अर्पण अवतार में बि अ थी अचे अ खां शुरू कयईं पर टियों अहम आयो
उन्हीं के भी अहम अखर में अ शुरुआत अचे थी। टे चौथो वरी आनंद कई। हाँ चार पंजो वरी क शुरू थी थे तो कते कई कर्तव्य कर्म कल कके का वे सागर कको बो आयो कल युग छो नंबर सतों वे कहते आए कामना हाँ कामना खो कामना साके चई वे जो महापुरुष के वर्णन आयो कामना के बारे में वर्णन कंदो शास्त्र के आधार से वो कुछ वो ही है। बोल कृष्ण चंद्र रघुपति भजमन अज अध कलाक वी वो उतरे पार राम जनो उतरे